किसी का आवाज जवाब नहीं दिया क्या बात क्या पूरे हम बोल रहे तो भूल दिया करो और आपके सामने हम नहीं बोलेंगे देखिए देखिए ये लो ये लो आवाज जवाब है हमारी हमारी आवाज जवाब है राज्य अधिकार की जवाब नहीं दे सकते हम करने वाले नहीं है हम किसी का करने वाले नहीं है हम नहीं कभी भी किसी हम आपसे नहीं कभी है आप देखिए भूलने दीजिए आप किसी का आवाज जवाब है ऊपर पहुंचाए जा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं अंकिता हत्याकांड का आज तक खुलासा नहीं हुआ हमारे जोशी मठ में लोगों को विस्थापित नहीं किया गया वहां पर कोई पैसा नहीं दिया गया वहां पर लोगों की कोई व्यवस्था नहीं की गई हल्द्वानी के अंदर 90% इस समय उल्टा पंजाब हो रहा है यहां पर नशे में हर बच्चा घर घर में नशा कर रहा है युवा नशे की तरफ जा रहे हैं उनका भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है तो इस पे काम करना मुझे लगता है सर्वप्रथम आवश्यक इस वक्त हम हल्द्वानी में मौजूद है लगातार सरकार का जो एक वर्ष पूरा हो चुका है और सरकार अपने विकास कार्यों को लेकर के और अपने कार्यों को लेकर के जनता के बीच जा रही है और अपना जो एक साल है उसे काफी अच्छा बता रही है वहीं विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और जो कह रहा है कि जो भाजपा का जो एक वर्ष जो पूरा हुआ है सरकार का वो कहीं ना कहीं निराशाजनक है हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं इनमें राज्य आंदोलनकारी है हल्द्वानी के स्थानीय निवासी है कांग्रेस के लोग हैं बीजेपी के लोग हैं इनसे बात करेंगे चल एक एक करके कि आप किस तरीके से देखते कि किस तरीके से अगर बात करते हैं कि जो एक साल रहा है सरकार का वो किस तरीके से आप देखते हैं और क्या परेशानियां रही क्या समाधान हुआ किस तरीके से देखते हैं नाम बताइए पहले मेरा नाम मिसेस पूर्णिमा रजवा मैं हल्द्वानी से बिलोंग करती हूँ सबसे सरकार काम करी वो तो बहुत अच्छा है कि वो काम करी पर सबसे बड़ी समस्या है देखो बच्चों ने अभी जो पेपर लीक हुआ था बच्चों का बच्चों ने इतनी मेहनत करी थी मतलब अभी पेपर लीक होना इसके लिए कोई कानून ना है मतलब बच्चों का जो साल भर पूरे भविष्य बर्बाद हो गया बच्चों ने इतनी मेहनत करके उसका क्या बच्चे अपनी मेहनत पे पूरा ध्यान देते हैं ना लेकिन तो साल भर पर बच्चों को बाद में बस ये है कि जो बच्चों का पेपर लीक हुआ उसके लिए कुछ उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए कि ऐसा ना हो और उसके लिए कार्रवाई करी जाए जिन लोगों ने पेपर लीक किया आपका नाम मेरा नाम मिसेस बर्खा शर्मा किस तरीके से देखते हैं एक वर्ष पूरा हो चुका है सरकार का किस तरीके से देखते हैं आप कार्य को देखिए सर बाकी सारी चीजें तो ठीक है लेकिन जहां तक की मैं बात करूँ ना नशा उस चीज पे कभी कोई वर्क नहीं किया जा रहा है अगर थोड़ा बहुत इस चीज पे भी वर्क करें क्योंकि देखिए आजकल हमारी जो आने वाली भविष्य है हमारे बच्चों का भविष्य है वो भी तो सब गड्ढे में ही जा रहा है एक तरीके से अगर आप देखें तो थोड़ा सा उस पे भी वर्क करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है आप सभी तरफ देख रहे हो सड़कों को शिक्षा को भी देख रहे हो और भी चीजें आप देख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ना नशे की तरफ भी आपको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है नशा भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी है बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी है सर क्योंकि इससे बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं युवा नशा नशे की तरफ जा रहे हैं उनका भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है तो इस पे काम करना मुझे लगता है सर्वप्रथम आवश्यक धन्यवाद आपका नाम मेरा नाम आशा शुक्ला है मैं महिला मोर्चा नगर महामंत्री गई हूँ और एक साल पूरे होने पे धामी जी ने एक साल में तो बहुत ही अच्छे कई अच्छे वर्क किए हैं जैसे युवाओं को नौकरी भी दिलवाई है और ये नकल विरोधी अभी देखिए वो किया है बहुत ही अच्छा किया और खुद हर जगह आगे रह के जाते हैं और सभी का हाल चाल पूछते हैं जो कमियां हैं वो पूरी करके आते हैं और अंकिता हत्याकांड में भी उन्होंने आगे रह के उनके मदर और फादर से मिलने गए हैं और आज भी जो वहां होता है वो करते हैं धन्यवाद सर क्या नाम है आपका और हल्द्वानी की अगर बात करें हल्द्वानी में किस तरीके से देखते हैं चाहे विधायक जी के कार्य हो या फिर जो सरकार के काम है आप किस तरीके से देखते हैं मैं कमल जोशी राज्य आंदोलनकारी विगत एक वर्षों में हल्द्वानी में महापौर जोगिंदर रतेला जी द्वारा बहुत अच्छे कार्य करे गए और सीवरेज का प्लांट डाला गया और सिस्टम से काम हुए पहले क्या होता था एक रोड बनती थी रोड में ठेकेदार फिर उसे खोदता था फिर बनाता था वो सिस्टम खत्म हुआ सीवरेज डल रहा है पाइपलाइन डल रही है गैस पाइपलाइन डल रही है उसके बाद रोड बन रही है लोगों को लग रहा होगा कि धीरे काम नहीं हो रहा सिस्टम से हो रहा पहले कमीशन में काम होता था दूसरा मैं धामी जी को स्वागत करूंगा धामी जी का कि धामी जी नकल अध्यादेश जो लाए बहुत सख्त लाए और 10% जो क्षैतिक आरक्षण उन्होंने दिया और अभी उन्होंने आश्वासन दिया है ये हमारे हुकुमदार भी हमारे साथ है हमको सबको आश्वासन दिया है जो उत्तराखंड भवन है वहां भी राज्य आंदोलनकारियों को रियायत दी जाएगी कमरों के लिए और रही अन्य चीजों की बात तो जितना जनता से घुल मिल आदरणीय धामी जी रहे कोई नहीं रह रहा इससे पूर्व भी सरकार रही मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य लेकिन जो कार्य करने की शैली धामी जी की है अन्य की मैंने नहीं देखी चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे हो या अन्य जो भी रहे हो बहुगुणा जी रहे हो हरीश रावत जी रहे हो और भ्रष्टाचार देखो भ्रष्टाचार ऐसी चीज है रातों रात उसमें हमको नहीं लग सकता
लेकिन उस पर अंकुश लगाने का वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। तीसरी बात मैं आपसे कहूंगा, नशे वाली बात बहन जी ने बहुत अच्छी कही, नशे पे सरकार कर रही है। अभी कल ही पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत गांजा और नशे को पकड़ा है, इसके लिए हमको भी प्रशासन और पुलिस की मदद करनी होगी, हमें भी जागरूकता लानी होगी, इसके लिए आम आदमी को भी ये कार्य करना होगा, इसके लिए खाली एक सरकार ही नहीं जिम्मेदार है, इसके लिए आम आदमी को भी ये चीज देखनी होगी। और महिलाओं का सम्मान जितना इस सरकार में हो रहा है कहीं नहीं हो रहा। देखिए इसका मैं प्रमाण देता हूं, विपक्ष कुछ भी कह सकता है, चुनाव जीता जाता है जनता से। आज तक भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था हिंदूवादी पार्टी, आज मेघालय, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जहां 80% अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय रहता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विजन 2024 है और 2023 का हमारा जो ये नगर महापालिका का चुनाव है, निसंदेह उसमें हम बंपर उसे जीतेंगे, ये मैं निश्चित बताता हूँ। जनता, हल्द्वानी की जनता को आश्वासन देता हूँ। हर प्रदेशों में सरकारें बन रही है और यहाँ पर भी काफी अच्छा काम हो रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं, आप वरिष्ठ हैं यहाँ के और पिछले लंबे समय से आप देख रहे हैं कि हल्द्वानी में किस तरीके से काम होता है, सरकारें लगातार बदली, लेकिन हल्द्वानी कैसा रहा, क्योंकि कुमाऊं की विशेष मुख्य द्वार है और कहीं ना कहीं कुमाऊं की राजधानी भी इसे कहा जाता है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए 22 साल बनाम एक साल की तुलना यहाँ पर हो रही है, राज्य बने करीब 23 साल हो गए हैं, 22 साल अन्य मुख्यमंत्री, एक साल पुष्कर सिंह धामी जी को भी मैं देख रहा हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने धर्मांतरण कानून और ये सिविल पुलिस को, उन्होंने थानों को, चौकी को देखा, दूसरा महिला आरक्षण वो बिल यहाँ पर लाए, तीसरा आपने सशक्त वो अध्यादेश के साथ साथ नकल विरोधी कानून उन्होंने बनाया, क्षेत्रीय आरक्षण आपने राज्य अनुकार को भी दिया और महिलाओं को भी दिया, जिस प्रकार से काम हो रहा है पलायन बेरोजगारी पर, मैं समझता हूँ कि एक साल में बहुत अच्छा काम किया है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने। देखो विरोध करना बहुत आसान काम है, लेकिन कार्य क्षमता को आगे बढ़ाने की बात आप देखेंगे कि अभी हमारे खेल विश्वविद्यालय यहाँ पर बनने की बात हो रही है, मैं समझता हूँ कि देखो हम एक राज्य अधिकारी होने के नाते एक उस चश्मे से देखते हैं कि जो संभावनाएं राज्य के अंदर है, अगर मुख्यमंत्री उस लाइन में सोचता है उसके दिल के जहन के अंदर होता है कि भाई गैरसैंण उसकी आत्मा में बसती है, गैरसैंण में अभी हमारा बजट सत्र चला और पलायन बेरोजगारी की बात होती, महिलाओं के जो स्वास्थ्य की बात है और हमारे जल जंगल जमीन की बात है, मैं समझता हूँ अच्छा काम है, पुष्कर सिंह धामी जी ने अच्छा काम किया है। विशेष तौर से आंदोलनकारी भी उनको बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने आंदोलनकारियों का आपने चिन्हीकरण भी किया, चिन्हीकरण की डेट बढ़ाई और दूसरा क्षेत्रीय आरक्षण भी दिया है। दूसरा भी भाई कमल भाई भी कह रहे थे हमारे जितने रेस्ट हाउस बने हैं दिल्ली हमारे जाते हैं, बम्बई जाते हैं, उनको भी इसमें सुविधा मिलेगी। एक चीज और बताना चाहता हूँ, देखिए पुष्कर सिंह धामी ने सबसे बड़ा काम ये किया, जितने नकलों में लोग पकड़े गए, अपनी सरकार में भी अगर घोटाले हुए तो उनको पकड़े गए, आज जेल के सलाखों के अंदर है, बड़े से बड़े अफसर जेल के सलाखों के अंदर है, भ्रष्टाचार से कोई मतलब उन्होंने नहीं किया और उन्होंने किया कि देखो बचाना बचाना तो ये आप बताइए जो भ्रष्ट होगा वो पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं। देखिए आप बोलिए, आपको हमें बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, आप भ्रष्टाचार किसने किया सामने हुआ, मैं चाहता हूँ सामने में अच्छा काम चला बता रही है, मैं समझता हूँ काम हुआ इसमें मैं नहीं कहना चाहता हूँ, तो यह बताओ मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए अरे भाई देखिए सुनो आप अजय गांधी बोलिए, बोलिए मैं क्या बोलूँ, बोलिए सर आप बोल रहे हैं ना, बोल रहे क्यों बोल रहे हैं, हम बोलने तो भूल दिया करो, आपके सामने हम नहीं बोलेंगे, देखिए देखिए ये लोग आवाज दे रहे हमारी आवाज दे रहे हैं, चालू करके जवाब नहीं दे सकते, हम करने वाले नहीं है, हम किसी से करने वाले नहीं है, हम नहीं करेंगे किसी से, हम आते नहीं करे हैं, आप देखिए बोलने दीजिए, आप किसी आवाज दे रहे हो मतलब लगा रहे हो, हम अपनी बात रखे, देखिए आप लोग यही सुनने के विषय आप लोग जा रहे हो, देखिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर आवाज दबा रहे हैं लोग, हमारी आवाज दबा रहे हैं लोग, यही कारण हो गया इनका, देखिए बोलने दिया करो, आप बोलने दिया करो, आप हार गए ये लोग बोलने नहीं देते, किसी को बोलने नहीं देते, आवाज दबाते हैं लोग, यही चीज होते हैं, आप अपने केस करिए उनके खिलाफ लड़िए, आवाज नहीं दबा सकते, किसी की आवाज दबा नहीं सकते, आप किसी की आवाज नहीं दबा सकते, आप बताइए, एक मिनट आप अपनी बात अभी रखेंगे, आपके पास आएंगे आप अपनी बात रखेंगे, तब तक आप बताइए, आप भी अपनी बात रखिए, देखिए ऐसा है, देखिए इन लोगों सब्र नहीं है, आप सुन नहीं सकते, आपके पास आएंगे आप अपनी बात रखिए, किसी आवाज को दबा रहे हो तुम लोग, इसलिए तुम कांग्रेस से हाल हो गए, हम नहीं करते किसलिए, आप बताइए, देखो हमारा हमारे कहने का मतलब क्या है,
भारतीय जनता पार्टी जन से जब आपसे पूछा जाएंगे आपके सवाल करेंगे, आपको जो बोलना होगा सब बोलिए। आप ये बताइए, आपके पास भी आएंगे, आप अपनी बात कहिएगा, क्योंकि सबके पास आएंगे शांतिपूर्वक तरीके से। अगर आप दोनों ऐसा करेंगे तो आपकी आवाज भी नहीं सुनाई देगी, आपकी भी नहीं सुनाई देगी। आप अपनी बातें बताइए कि सुनिए, आप देखिए, आप देख रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। हम प्रजातांत्रिक आदमी है, लॉयर सा आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, हम राज्यांकारी है। अब यहाँ पर इतना हल्ला करके हमारी आवाज को दबा रहे, किसी की आवाज दबाने से आप जीत जाओगे क्या? चुनाव जीत जाओगे? चुनाव तो जनता जिताती है यार, मोदी दो दल में आ गए, आवाज दबा दबाओगे? अरे भाई गुंडागर्दी हो रही क्या? टीवी टीवी हो रही है। हम ये कह रहे हैं पुष्कर सिंह धामी ने एक साल के अंदर अच्छे काम किए, बैठ गए यार। अभी राहुल गांधी आप ये बताइए, आप ये बताइए, हल्द्वानी, एक मिनट, हल्द्वानी की बात कर रहे हैं, हल्द्वानी विधानसभा की बात कर रहे हैं, हल्द्वानी विधानसभा में, एक मिनट, जब विपक्ष ये कह रहा है कि हल्द्वानी में जैसे मान लीजिए स्टेडियम या फिर जो जू था, आईएसबीटी था, उसके कार्यों को कब तक बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उसके बारे में बताइए आप। अभी देखो खेल विश्वविद्यालय पर बनने जा रहा है, अभी तक हमने टीचिंग ग्राउंड में वहां पर काम किया, क्या काम नहीं हो रहा बताइए आप, क्या काम नहीं हो रहा बताओ? वो तो हो रहा है, उनको गुंडागर्दी नहीं होने लग जा रही है। ऐसा है, ऐसा है, देखो ये काम क्या है, उनके पास कुछ है नहीं के लिए। हम तो ये कहना चाहते हैं, इनसे भी एक बार सवाल पूछ लेते हैं, आप सबसे शुरुआत कीजिए। हल्द्वानी विधानसभा की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे विकास कार्य थे जो नहीं हुए या जो रुके, क्योंकि एक वर्ष हो गया है सरकार के जो लोग हैं और जो लगातार पूरे प्रदेश में जो है सरकार अपने एक साल को काफी अच्छा बता रही है, किस तरीके से आप देख देखिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच जो विकास की देवी इंदिरा हृदय जी नहीं है। अगर वो होती, इन्होंने जो अंकुश लगाया जन विरोधी जो सरकार वर्तमान में है भारतीय जनता पार्टी की, देश में भी और प्रदेश में भी, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रुकवाया, आईएसबीटी रुकवाई और अंतर्राष्ट्रीय जू भी रुकवाया और ना जाने अनेकों काम रुकवाया। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री के 2014 के आप भाषण सुनिए कि हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे, कितने मंत्री को इन्होंने जेल डाला और ये खुद भ्रष्टाचार करते हैं। और दूसरी बात सर, बच्चे का मिनी देखिए, मिनी आप ये देखिए ना, मतलब किताबें महंगी बात करेंगे, देखिए किताबें महंगी, ड्रेसें महंगी, स्कूल की बस की फीसें महंगी, लेकिन शराब बड़ी सस्ती, सिलेंडर महंगा लेकिन शराब ब्लेंडर बड़ी सस्ती। दूसरा विषय और वो बात करते हैं हल्द्वानी की, शराब सस्ती हो गई है, भाई एक बात बताओ, मिनट मेरी पूरी बात सुनो, आप लोग भी कह रहे हैं डेमोक्रेसी है कोई बात नहीं, आप ये बताइए, ये कह रहे हो शराब सस्ती हो गई, भाई अगर आप आज शराब बंद कर दोगे नीचे से नकली शराब आएगी, बिहार और गुजरात की तरह हाल हो जाएगा। शराब कुछ में से कितने लोगों ने शराब नहीं पीता, पूछो आप, एक मिनट आपके पास आएंगे, ये कह रहे कि तीन सिलेंडर जो है वो सरकार मुफ्त में दे रही है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? और हल्द्वानी की बात अगर करेंगे किस तरीके से देखते हैं? मैं राजेंद्र सिंह उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये जो सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं ये पूरी घोषणा है और ये अपने लोगों को दे रहे हैं। मेरा ये सामने देश अस्पताल है, हमारा देश अस्पताल है, देश अस्पताल में वहाँ आयुष की सुविधा थी, कांग्रेस शासन काल में आयुष की सारी सुविधा वहाँ सारे मशीनें वहाँ उपलब्ध कर रखी, आज तक वो मशीनों को खोला नहीं गया है। दो टर्म से भाजपा की सरकार वहाँ पे चल रही है, मैं कहूंगा कि वहाँ से सरकारी अस्पताल से
सुजला दिवाली में रेफर किया जा रहा है, जबकि सुजला दिवाली से अच्छी अच्छी महंगी मशीनें यहाँ पे हैं, अभी भी वहाँ पे मशीन वहाँ पे खराब है अल्ट्रासाउंड की। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि इतना भ्रष्टाचार है इस सरकार में कि हम ट्रांसपोर्टर बिना लिए दिए गाड़ी रोड में नहीं चला पाएंगे। और जब तक ये सरकार रहेगी ऐसी भ्रष्टाचार चलेगा, बिना भ्रष्टाचार के ये बिना भ्रष्टाचार के यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ये खाली दिखाने के लिए है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं चल रहा। आप किसी भी सरकारी विभाग में चले जाए बिना दिए लिए सेटल के काम नहीं। पहले में भी हाईकोर्ट ने डीजल दिया, हाईकोर्ट में डीजल दिया 108 एफएसपी की रखनी चाहिए, उसके बाद भी वो ओवर रेट में दे रहे हैं, तो आप लगा लीजिए साल बेकार है। इनका जो कहना है क्या सही है जो ये कह रहे बातें? बिल्कुल सही कह रहे हैं। खनन से जो हल्द्वानी के लोगों का रोजगार चलता था, हल्द्वानी के लोगों का जो खनन से रोजगार चलता था, वो खनन न होकर लोगों के दम पर खड़े हैं और क्या नाम कहते हैं टिकलेसर वालों से पैसे लेकर पैसे ऊपर पहुंचाए जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, अंकिता हत्याकांड का आज तक खुलासा नहीं हुआ, हमारे जोशी मठ में लोगों को विस्थापित नहीं किया गया, वहां पर कोई पैसा नहीं दिया गया, वहां पर लोगों की कोई व्यवस्था नहीं की गई। हल्द्वानी के अंदर 90% इस समय उल्टा पंजाब हो रहा है, यहाँ पर नशे में हर बच्चा घर घर में नशा कर रहा है। दमुआ डुमा से लेकर राजपुरा तक, हमारे कुलियालपुरा तक, हमारे गांधीनगर तक हर बच्चा नशे में डूबा पड़ा है। और पुलिस प्रशासन का ये हाल है, अगर कोई रिपोर्ट कराने जाता है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, अगर वो सत्ता पक्ष का है तो उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, अगर विपक्ष का है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। और अगर किसी की चोरी हो गई तो उसके चोर को सीसीटीवी में देख लेते हैं, लेकिन उसको पहचानने के बाद भी कहते हैं नहीं हो गया, इसको हम बंद करेंगे तो ये हमारे वहां मर जाएगा जेल में, हम इसे छोड़ देते हैं, वो अगले दिन फिर दूसरे की चोरी करता है। ये हाल यहाँ पर हो रहा है। ये सरकार इस हल्द्वानी के अंदर अगर कोई विकास किया है वो सुमित हृदय ने किया है, वो इंदिरा हृदय ने किया है, वो नरेंद्र तिवारी ने किया है। नरेंद्र तिवारी जी, इंदिरा हृदय और सुमित हृदय, आज अगर कोई है हल्द्वानी के अंदर कोई काम कर रहा है, कोई पूरे उत्तराखंड के अंदर अगर विधायक है, वो सुमित हृदय है जो हरेक की आवाज को उठा रहा। अगर हमारे भगत जी के क्षेत्र में किसी के बच्चों को अगर कैमरा छीन लिया जाता है, उनको पीट दिया जाता है, तो वो शिकायत करने सुमित हृदय के घर आते हैं कि भाई लालकुआ में हमारे बच्चे बंद हो गए, जरा छुड़वा दो। ये हाल है यहाँ पर के लोगों का, यहाँ के विधायकों का। केवल एक सुमित हृदय ऐसा आदमी है जो हल्द्वानी के लिए काम कर रहा है। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम पूजा लटवाल है, मैं समाज सेवी हूँ। जी हाँ सर, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी आम जनता से, अनुरोध, जहाँ तक कि पहला प्रश्न हमारे राजेंद्र जी ने बोला कि भ्रष्टाचार को लेके, भ्रष्टाचार इससे पहले तो था ही नहीं। देखिए ये सच्चाई सबको पता, भ्रष्टाचार इससे पहले था ही नहीं, जिस तरीके से सर बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार पहले भी था, आज भी था, पर वर्तमान स्थिति ये है कि जो भी सरकार आई है, जो भी पहल कर रही है, कम से कम पिछले वालों की कमी को छोड़ते हुए कुछ नए नए संशोधन अधिनियम तो ला रही है। हम किसी भी चीज को नकार नहीं सकते कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है, पर कुल मिलाकर जो जनता का रुख है या सरकार अपना कार्य कर रही है बड़े स्तर पे, तो छोटी मोटी चीजों को अगर सुधारने में चली, एक ही दिन में, एक ही साथ, एक ही रात में हथेली में सरसों नहीं उगाई जा सकती। तो किसी भी व्यवस्था को, किसी को भी समझने के लिए जनता भी समझती है, दबाव भी समझती है कि किस तरीके से शासन व्यवस्था चल रही है, किस तरीके से उच्च कोटि का काम होना चल रहा है। और हम ये नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत कम हुआ है। क्या पिछली सरकारों को, इतने सालों से कोई भी सरकार रही, क्या उनको मौका नहीं मिला कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगा सकते हैं? हम ये नहीं कह सकते हैं, चाहे आप कहिए कि किसी भी तरीके से नकल विरोधी कानून आया, भ्रष्टाचार अगर प्रत्येक क्षेत्र में है तो उसका संशोधन, उस पर लगाम लगाने के लिए भी सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं। नशे के खिलाफ में अगर आपसे बोलेंगे, ये है कि सार्थक ये है कि लागू होने के बाद कोई भी अध्यादेश या नियम लागू होता है, वो पूर्ण रूप से हम अपेक्षा करते हैं कि उसको जमीनी तौर पर उतारा जाए, उसमें जनता का भी सहयोग चाहिए, सरकार का भी।